अच्छा इमरान भाई, एक दो आप टिप्स दें हार्ड हिटिंग के हवाले से कि आपने बैट को ग्रिप कैसे करना है, अपना थोड़ा ज्ञान बांटें ना लोगों में। वैसे तो काफ़ी बांट रहे हैं इधर ये लोगों में। खैर एनी हो, ग्रिप बड़ी मेरी सिंपल है और हार्ड हिटिंग बस इसी तरह ही, और कम से कम आपके ये स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा, जब तक आपकी ये चीज़ें स्ट्रांग नहीं होंगी तो उसके बाद फिर बैट हो सी है। अच्छा कि ना, आप ये बताएं कि जो मैं अभी आपसे क्वेश्चन कर रहा था कि काफ़ी बैट्समैन ना लेट हो जाते हैं बॉल को वो करने के लिए, और आप उसके तो लिए बस प्रैक्टिस करता हूँ और नए बॉल लेके थ्रो मरवाता हूँ लड़कों से, तेज बाउंसर मरवाता हूँ, कट की प्रैक्टिस करता हूँ। उससे क्या है आपकी जब स्विंग तेज होगी बैट की तो डेफिनेटली आपकी ऑटोमेटिकली जो अच्छे जितनी मर्जी स्पीड होगी उसको अच्छा मैनेज करेंगे आप। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आपको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जैसे मैं करता हूँ रोज ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन नए बॉल मंगवाता हूँ मैं। बिल्कुल, ये बैटिंग के अलावा आपकी फिजिकल ट्रेनिंग भी अच्छी होनी चाहिए इसमें, ऐसे ही ऑफ कोर्स देखो रनिंग शटलिंग आप जितनी भी स्प्रिंटें लगाते हैं वो जब आप करते हैं तो आपका क्या है कि आपके बैटिंग में पाँव अच्छे चलते हैं, जिसे टेक्निक वाइज जो अक्सर लोग बातें करते हैं तो आपकी टेक्निक इस तरह होनी चाहिए, आपका पाँव इस तरह आना चाहिए। उसमें क्या जब आप रनिंग करते हैं या स्प्रिंटें लगाते हैं तेज़ भागते हैं तो उससे क्या होता है जब आप बैटिंग कर रहे होते हो तो आपके पाँव जो है आपका बैलेंस अच्छा रहता है। राइट, तो इसी वजह से जाहिर बात है ट्रेनिंग के बगैर कुछ भी नहीं है क्रिकेट। ये नहीं है कि बस आके बैटिंग कर लो। चलिए हम अब नेक्स्ट वीडियो में, अभी तो हमने टाइमिंग पे थोड़ी सी बात की है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह और चीज़ों पे भी डिस्कस करेंगे, फुटवर्क पे करेंगे, ठीक है, और ट्रेनिंग कैसे करनी है। जी जी, ट्रेनिंग भी डेफिनेटली आप लोगों से डिस्कस करूँगा और उसमें बहुत सारी ऐसी जो कह सकते हैं बैट की ग्रिप कह सकते हैं और बहुत सारी टेक्निक पे जो चीज़ें होती हैं उनका जरूर डेफिनेटली आप लोगों से बात किया करूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।